अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ 24/7 पर आज की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम चौधरी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 24/7 न्यूज़ देता है आपको अंदर की खबर, और आज की अंदर की खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। अब पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी इक्तदार में नहीं आएगी। बरतानिया का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से बड़ा फैसला। बरतानिया पाकिस्तान में 50 लाख घरों की तमीर के लिए मुआवनत फ्राहम करेगा। बरतानिया ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए माली मुआवनत फ्राहम करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में मौजूद गरीब आवाम के लिए 50 लाख घरों की तमीर का ऐलान कर दिया, जिस पर अमली इकदाम किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर जिन 7 शहरों में रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है उनमें वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सखर, डेरा इस्माइल खान, कोयटा, गिलगत और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। पाकिस्तान रेलवे ने रेलवे को जदीद सहूलियात से रास्ता करने का फैसला कर लिया, जिसमें पहले मरहला पर तमाम रेलवे स्टेशन पर आवाम के लिए फ्री वाईफाई और इसके बाद ट्रेनों में ट्रैकर लगाए जाएंगे ताकि ट्रेनों की आमदोरफ्त और वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सके। ट्रंप की साहबजादी टेफानी की अमरीकी नौजवान से शादी की खबरें सरगर्म। दोनों की मुलाकात तातीलात के दौरान यूनान में हुई। जोड़े का दोस्ती को शादी में बदलने का फैसला। इतलात के मुताबिक अमरीकी सदर की दूसरी साहबजादी टेफानी की मुलाकात एक लबनानी और अफ्रीकी नजाद नौजवान से हुई और वो दोनों दोस्ती को शादी में बदलने का इरादा रखते हैं। अमरीकी सदर की बेटी नौजवान को बड़े कद की वजह से पसंद करती हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि डॉलर की कीमत बढ़ने के पीछे असल वजह क्या है। डॉलर की कीमत एकदम बढ़ाने वाला किरदार सामने आ गया। कीमत बढ़ने की वजह गवर्नर स्टेट बैंक है। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद ने एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कौमी मईशत की ख़राब सूरत हाल की जिम्मेदार हैं। दुबई से हमारे पास एक दिलचस्प खबर है कि मोबाइल में बैलेंस लोड ना करवाने पर बीवी ने तलाक मांग ली। खातून के मुताबिक खामन ने 50 दरहम का इजी लोड करवाने से इनकार कर दिया था। तहसील जड़ावाला की 59 यूनियन काउंसिल्स को मिसाली बनाने के लिए 103 सेक्रेटरीज अपना किरदार अदा करेंगे। यूनियन काउंसिल्स की सतह पर मसालहती मसाइल हल करने के लिए अमला अपने फ़राइज इंतहाई ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से अदा करेगा। कभी पेशी कुदाइयाँ गलतियाँ जो गलत लापरवाही हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, आप भी करेंगे, हमसे भी होगी। लेकिन फिर एक बात याद रखें, गलती और मस्ती में फर्क होता है। गलती की माफी है, अब ये ध्यान से सुनते मस्ती की। मैंने पहले लफ्ज बोला है कि हम आपको आनंद देंगे, आप हमें हमारी इज्जत आपके साथ मशरूत है। आगे आपका फैसला अपने हाथ में, हमारा फैसला यही दो चार जुमले होते रखे रखा है जहाँ कहीं भी जाए, ये ऐसे फर्स्टे हो यही बोलते हैं लोग काम अच्छा कर। वो आपको पता है कि इज्जत कैसे दी जाती है, इज्जत कैसे दी जाती है अपने काम से। बाकी हम एक धरती के हैं, हमारा जो है वो चूल्हा थल्ला एक है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से इंतजार करें, इतना आसान है। अगली खबर भी जड़ावाला से है। जड़ावाला से हमारे नुमाइंदा मलिक हमजा खलील के मुताबिक जड़ावाला थाना रोडाला के चक नंबर 272 के कब्रिस्तान पर बाअसर अफराद की फसलें काश्त। कब्रों की चार दीवारी ना होने की वजह से कब्रों की बेहुरमती। महकमा माल ने मुबैना काबजीन की गन्ने की फसल पुर करने के बाद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अहले इलाका का एहतजाज ये है कि जो हमारा ये कब्रिस्तान है ना, ये 6 एकड़ में है, तो इसमें 6 एकड़ ज़मीन है, इसमें 2 एकड़ है ना, वो लोगों ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। लिहाजा इसकी चार दीवारी भी नहीं है और इस पर कोई जनाजगाह भी नहीं है, वो लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, उसमें काश्त उन्होंने की हुई है, तो लिहाजा ये हमें वापस दिलाई जाए और यहाँ पे जो ना कब्रिस्तान की आबादी ज़्यादा हो जाए। सर, ये आपके सामने सब सूरत हाल है, आप कब्रिस्तान को देख रहे हैं कैसा है ये हालात, कैसा नहीं है। तो हमारे इस जो कब्रिस्तान के हालात जो ना, इसको ज़रा अच्छा बनाया जाए, इसको मतलब 272 दे रहे हैं।
दो किले रकबा कब्रिस्तान का कई साल तू गढ़ रहे हैं हूँ तो कमांड गवर्नमेंट को की कर गई है इतनी जगहदारी जगह कर रहे हैं भी उन्हें कमांड के चार कनाली गन्ना में कट लिया चोरी हूँ असी एसी भी दरखास्त दी है डीसी अपने एस एच ओ भी दी है कोई सुनी नहीं जी चाक नंबर 272 गा पे दावाना दे रवन वाले हैं ते मामन सिंह लुड़के ते आलम शेर लुड़के उन्हें कब्रिस्तान की दो किले बोए ते कब्जा किया है ते 1992 तो वो गढ़ रहे ने ते असा बड़िया दरखास्तां दित्तियां ने ते उन्हें नंबरदार उन्हें कुड़की किया उन्हें बावजूद वह विचों कमान शमान वढ़ रहे ने ते असी हकूमत अगे अपील करने आए कि मेहरबानी करके कब्रिस्तान की जमीन छुड़ाई जाए आबादी साढ़े पिंड की ज्यादा हो गई है मेहरबानी हो सी। ईरानी सदर की खलीजी ममालिक की बैरून मुल्क तेल की सप्लाई रोकने की धमकी। ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर उनके मुल्क को तेल बरामद करने की इजाज़त ना दी गई तो खलीज से कोई भी तेल बरामद नहीं कर सकेगा। वेदर न्यूज़ के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो चलते हैं। स्टूडियो से हमारे साथ हैं आसमा कबीर। जी आसमा, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा आइए देखते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छे फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी विजिट कीजिए। न्यूज़ 24/7 से आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे मज़ीद खबरों के साथ। अल्लाह निगहबान। देखते रहे न्यूज 24/7। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। न्यूज 24/7, अंदर की खबर।